वेलकम टू माय ब्लॉग केदारनाथ यात्रा। सो आज हम निकल गए हैं केदारनाथ धाम यात्रा के लिए। अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पर हरिद्वार। हरिद्वार से ही केदारनाथ यात्रा शुरू होती है। अभी हरिद्वार में हम लोग घूम रहे हैं और अभी हम घूमते घूमते जा रहे हैं हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए। हरिद्वार का मार्केट आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हम पहुँच गए हैं गंगा, माँ गंगा के घाट पर। अब हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ स्नान करने के लिए बेहतर जगह है और ये घाट पर हम लोग घूम रहे हैं। ये चलते हैं, देखते हैं। अब हम यहाँ से निकल गए हैं, मेन जो हर की पौड़ी घाट है, हर की पौड़ी घाट पर ही स्नान करेंगे, तो वहाँ के लिए निकल गए हैं। अब देखते हैं कितना भीड़ है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा भीड़ है, दुकानें लगी हुई हैं, लोग बाग बहुत सारे हैं जो यहाँ पर स्नान करने आए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं माँ गंगा का ये घाट जहाँ पर हम लोग स्नान करेंगे, जहाँ पर हम लोग अब स्नान करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं स्नान। सबसे पहले करते हैं माँ गंगा को प्रणाम और उसके बाद स्नान करने के लिए उतरेंगे। यहाँ पर ये छोटा भाई है, ये भी स्नान कर रहा है, तो हम दोनों मिलके ही केदारनाथ यात्रा गए हुए हैं दोनों साथ में। एक बार फिर से माँ गंगा को प्रणाम और माँ गंगा के जल से सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए और अभी माँ गंगा में डुबकी लगाने की कोशिश करते हुए। पानी का बहाव बहुत तेज है, तो ये जो रस्सी है, सांकर है, लोहे की जंजीर है, इनको पकड़ना पड़ता है। और ये माँ गंगा मैया में डुबकी लगा ली और स्नान कर लिए। बांकी में बहुत मज़ा आता है माँ गंगा मैया में डुबकी लगाने में। माँ गंगा मैया का जल बहुत ही ठंडा होता है। अब हमने कर लिए हैं स्नान। अब स्नान करने के बाद निकलते हैं माँ गंगा मैया के घाट से। अब हमको जाना है ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद ऋषिकेश से ही जाएंगे हम सीधा केदारनाथ। तो ये गंगा मैया के हर की पौड़ी घाट के कुछ दृश्य हैं जो वाकई में देखने में बहुत ही मज़ेदार हैं और यहाँ आने में बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। रास्ते में मिल गए ये एक लस्सी वाले भैया, तो अब यहाँ पर पीते हैं लस्सी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुँच गए हैं ऋषिकेश और ऋषिकेश से पहुँच गए हैं गंगा घाट। और गंगा घाट पर हम लोग करने गए हुए थे आरती, स्पेशली माँ गंगा की आरती। तो अभी हम निकलते हैं परमार्थ निकेतन आश्रम घाट, जहाँ पर करेंगे गंगा आरती। और ये है माँ गंगा का कुछ दृश्य और ये एक ब्रिज है जो माँ गंगा को पार करने के लिए ब्रिज है। यहाँ से माँ गंगा का ये दृश्य है, आप देख सकते हैं माँ गंगा की सुंदरता। अब हम लोग पहुँच चुके हैं माँ गंगा की आरती के लिए परमार्थ निकेतन आश्रम घाट पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना भीड़ है, कितने ज़्यादा लोग बाग आरती, माँ गंगा की आरती देखने के लिए यहाँ रुके हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। अभी माँ गंगा की आरती शुरू नहीं हुई है, ये माँ गंगा की आरती की तैयारियाँ चल रही हैं और यहाँ पर भजन भी चल रहे हैं। गंगा मैया की आरती का समय हो गया है, अब चलिए देखते हैं माँ गंगा की आरती। ये गंगा आरती की यहाँ लगभग बड़ी वीडियो है, लंबी वीडियो है, इसको अलग से YouTube पर डाल देंगे तो आप लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो आप वहाँ देख सकते हैं। अब हम यहाँ से निकलते हैं
ऋषिकेश बस स्टैंड के लिए, जहाँ से हमारे लिए सुबह 5:30 बजे बस मिलेगी केदारनाथ जाने के लिए, जो कि कहाँ जाएगी, हम लोगों को छोड़ेगी गौरीकुंड तक। अब हम लोग सुबह उठकर बस से गौरीकुंड तक जाने के लिए निकल पड़े हैं। एक्चुअली बस गौरीकुंड तक नहीं जाती है, बस जाती है सीतापुर करके एक जगह है, वहाँ तक जाती है। वहाँ से हम लोगों को सीतापुर से थोड़ी दूर जब आगे चलेंगे तो सोनप्रयाग पड़ेगा, मतलब बस आपको सीतापुर तक छोड़ती है, फिर थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, आगे जाके सोनप्रयाग पड़ता है, सोनप्रयाग से बाय रोड टैक्सी करना पड़ता है। ये रास्ते के कुछ दृश्य हैं, यहाँ पर बस रुकी हुई थी, हम लोगों ने नाश्ता किया था। ये रोड देख सकते हैं आप कितना भयंकर, बिल्कुल जो मंदाकिनी है, गंगा है और अलकनंदा है, तीन जो नदियाँ पड़ती हैं प्रमुख हमें, जिनके किनारे से ही होकर हमें केदारनाथ जाना पड़ता है। सबसे पहले हम गंगा माँ गंगा के किनारे किनारे जाते हैं, फिर वहाँ से हम अलकनंदा किनारे किनारे जाते हैं, फिर अलकनंदा के बाद फिर हम मंदाकिनी के किनारे किनारे जाते हैं। तो ये बहुत ही संकीर्ण रास्ता है और बहुत ही कठिन रास्ता है, और बाकी में देखकर इतना डर लगता है कि ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ कहीं स्लिप हो जाएं या कुछ हो जाए। तो ये देख सकते हैं कितनी नीची खाइयाँ हैं, कितनी गहराइयाँ हैं नीचे, और बाकी में ये तो एक बहुत ही कठिन यात्रा है। ये अभी हम लोगों को पहाड़ पर चढ़ पहाड़ के किनारे से जा रहे हुए हैं, और ये अलकनंदा नदी के किनारे किनारे हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप कितना कितना रिस्की यात्रा है, अगर बस वाले का या किसी का थोड़ा सा भी नज़र चूका तो कोई दुर्घटना घट सकती है, लेकिन बाबा की कृपा है यहाँ पर कोई घटना नहीं घटती। यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं माँ अलकनंदा के, जो कि हम अभी अलकनंदा नदी के किनारे किनारे चल रहे हुए हैं, जो कि बद्रीनाथ से निकली हुई हैं। ये अलमा अलकनंदा के किनारे पर ही हम चल रहे हैं, और यहाँ पर आपको अभी एक बहुत ही सुंदर मंदिर नदी के बीचों बीच दिखाई देगा, जो माँ धारी देवी का है। ये हम वहीं पहुँच गए, ये मंदिर दिखाई दे रहा कितना सुंदर बीचों बीच नदी के है। तो ये माँ धारी देवी का मंदिर है, आप देख लीजिए, दर्शन करिए, बहुत ही सुंदर माँ धारी देवी का ये मंदिर नदी के जो बीचों बीच बना हुआ है। ये भी यहाँ पर काम लगा हुआ कंस्ट्रक्शन का, ये पुल बन रहा है। अब हम माँ अलकनंदा का किनारा छोड़कर मंदाकिनी, माँ मंदाकिनी का किनारा पकड़ लिए हैं, और यहाँ पर बस रुक चुकी है नाश्ते चाय पानी के लिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छा रास्ता है नीचे जाने के लिए माँ मंदाकिनी के घाट पर। सो हम मन हुआ तो हमने सोचा चलिए माँ मंदाकिनी के भी दर्शन कर लें, जल ग्रहण कर लें, जलाचमन कर लें, और अब ये मंदाकिनी माँ के घाट पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। ये है माँ मंदाकिनी। माँ मंदाकिनी का पानी देखिए कितना कंचन और कितना साफ है, इसमें पानी बिल्कुल आप नीचे एक कंकड़ भी कंकड़ देख सकते हैं। पानी भी बहुत पीने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर, बहुत टेस्टी लग रहा है पानी। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे, और बस अब हमारी ये आगे बढ़ चुकी है यहाँ से। अब हम पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से यहाँ से लेना पड़ता है ये टैक्सी, लेकिन सोनप्रयाग में पहुँचने के बाद यहाँ टैक्सियों का जाम लग जाता है, तो हमने भी टैक्सी ली थी और टैक्सी आधे रास्ते तक टैक्सी ने पहुँचाया। उसके बाद हमको क्या करना पड़ा कि मजबूरी में टैक्सी छोड़ कर पैदल यात्रा करना पड़ा। ये यहाँ से चढ़ाई देख रहे हो, ये हम लोग यहाँ से लेकर सोनप्रयाग में हैं, और सोनप्रयाग में यहाँ से बस ने हमको उतार दिया है, और ये टैक्सी लेने के लिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ गए, और सोनप्रयाग से चल दिया है गौरीकुंड के लिए हम लोगों ने यहाँ से पैदल। और बारिश हो रही है तो रेनकोट पहन लिए सब लोगों ने। गौरीकुंड पहुँचने के बाद यहाँ से यात्रा बंद हो चुकी थी, अब हम लोगों को गौरीकुंड में रुकना था, तो यहाँ पर रूम लेके गौरीकुंड में रुक गए यहाँ पर हम लोग, और तीन भाई और जो हम लोगों यूपी से थे वो मिल गए। अब गौरीकुंड से हम लोगों को सुबह यात्रा करना था, तो अब सुबह हम लोग जल्दी 2 बजे रात्रि में उठ के नहा धोकर यहाँ से यात्रा के लिए निकल चुके हैं। और ये बाबा केदारनाथ की चढ़ाई का
यहाँ से शुरुआत होती है और देखिए कितना भीड़, कितना टफ है यहाँ पर। बहुत सारे खच्चर हैं, घोड़े हैं, बहुत सारे लोग इनसे घोड़े और खच्चर से ही जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग पैदल चल सकते हैं और अगर आप हिम्मत कर सकते हैं तो कोशिश करिए कि पैदल ही जाएं, घोड़े और खच्चर का उपयोग कम करें। केदारनाथ बाबा की चढ़ाई शुरू हो गई है, अभी तो शुरुआत ही है। बोलो केदारनाथ बाबा की जय। रात्रि में लगभग 4 बजे से हम लोगों ने बाबा केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ना चालू कर दी थी और ये सुबह सुबह होने वाला है और ये बहुत थकान हो चुकी है। अभी पहुंच गए लगभग लगभग 2 या 3 किलोमीटर। यहाँ से रह गया केदारनाथ 13.5 किलोमीटर, जंगल चट्टी 1.5 किलोमीटर और भैरव मंदिर 0.5 किलोमीटर। यहाँ तक पहुँच गए अब। और ये बर्फ़ का पहाड़ दिख रहा है, दिखाई दे रहा होगा बर्फ़ का पहाड़ ये सामने। अब पहुंच गए हम भैरवनाथ मंदिर। भैरवनाथ भगवान की जय। बहुत ही सुंदर। अभी थक गए हैं, रास्ते में बैठ गए हैं, आराम कर रहे हैं। अभी बहुत चढ़ाई है, अभी तो मात्र कितना 4 किलोमीटर आए हुए हैं, 4 किलोमीटर, अभी 10-11 किलोमीटर और है। और थक गए अभी तो। चलो अब आराम कर लिया, अब चले आगे बढ़े। चलो अब आराम कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, फिर आगे कहीं रुकेंगे। चलो भैया चलते हैं, अब यात्रा प्रारंभ करते हैं। ये जा रहा है अपना घोड़ा एक आगे, एक तो ऊपर से बैठे हुए हैं, ऊपर से बेचारे की ठुकाई कर रहे हैं, बड़ा अत्याचार है भैया। हर हर महादेव, बाबा केदारनाथ की जय। सामने दिखाई दे रहा कितना सुंदर झरना, ये छोटी सी लाइन दिख रही है, बहुत ही सुंदर झरना है ये। अब यहाँ थोड़ी सी प्लेन रास्ता आ गया है, यहाँ थोड़ा चलने में आसानी है। फिर तो चढ़ाई आ गई है, ये घोड़े लौट के आ गए छोड़ के लोग बाबों को। भैया कर आए दर्शन? चलो बढ़िया, कैसा रहा? बढ़िया, मजा आया? चलो चलो बढ़िया। प्राचीन हनुमान जी के मंदिर, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ऊपर बहुत जगह है अभी। ये है बहुत ही खूबसूरत झरना बाबा केदारनाथ के रास्ते में, कितनी ऊंचाई से आ रहा है ये देखिए कितना सुंदर झरना। ये वाइट वाइट दिख रहे हैं बर्फ़ के पहाड़। ये घोड़ा जा रहा है, इसको हो गई गैस प्रॉब्लम और भाई लेके जा रहा है इसको अस्पताल। ओ बेचारे, ये भी क्या करें यार, उनका भी रोजी रोटी यही है, वरना कौन पालेगा, कौन खिलाएगा घोड़े को। अगर बाबा केदारनाथ की चढ़ाई करना है सबसे अच्छा तरीका है, एक लाठी लो और आगे झुको और चढ़ जाओ। आधे रास्ते में माँ मंदाकिनी के घाट पे बैठे हुए हैं, थक गए हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं और अभी चाय का बोला है, एक चाय का चाय पियेंगे बढ़िया, फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। तो ये देखिए कितना भयंकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ी रास्ते, ये देखिए ये खच्चर भी आ रहे हैं यहीं से। आगे बढ़ दिया है अब मंदाकिनी नदी घाट से और ये है मंदाकिनी माँ। अब चलते हैं, उधर जाना है, वो बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं और ये है ऊपर चढ़ाई, धीरे धीरे अब चढ़ के चलते हैं। चलिए मिलते हैं फिर आगे। अब आ चुके हैं यहाँ इतनी ऊंचाई पे और अभी थोड़ी देर पहले थे वहाँ 7 बजे।
चलो भैया ककड़ी खा लो, पहुँच गए आधी रास्ता में, अब शुरू करते हैं ककड़ी। यहाँ से ये शॉर्टकट रास्ता है, ये शॉर्टकट रास्ता चढ़ेंगे अब, और ऊपर चढ़ना है, वो दिख रहे हैं लोग वक्त जा रहे हैं वहाँ तक चढ़ना है। बहुत ऊँचाई पर आ गए, बहुत ऊँचाई, बहुत ऊँचाई। हम तो फिर भी पैदल चलने में थक जाते हैं, कई बार सोचते हैं कैसे पैदल चलें। ये देखिए पालकी वालों को, डोली वालों को, एक आदमी को लेके ऊपर चढ़ रहे हैं। अब सोचिए आप, हम लोग तो वैसे ही थकान मान जाते हैं, हार मान जाते हैं। ये देखिए पालकी वालों को, मैं एक बात बताऊं, बता ये इसके किनारे किनारे अगर कोई निकल जाए ना मंदाकिनी के, तो बहुत बहुत पास पड़ेगा। वो हिम्मत कर ले, बस डराए ना कोई, शॉर्ट शॉर्ट पहाड़ी पकड़ पकड़ कर निकल जाए बाबा के यहाँ। और ये देखो बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं सामने, ये कोई शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है। देखते हैं बाबा कब तक पहुँचाते हैं। ये बर्फ़ के पहाड़ सामने, बर्फ़ बर्फ़ दिख रहा है, ये बर्फ कैसा पहाड़ जमा हुआ जैसे, ये यहाँ तो पानी है ही नहीं है। ये ऊपर से प्लेन जा रहा है, आधी दूरी तक आ गए, अब यहाँ से बचा हुआ 2 किलोमीटर, बस 2 किलोमीटर और पहुँचाए फिर दर्शन होंगे बाबा केदारनाथ के। ये सब लोग यहाँ बैठ गए आराम कर रहे हैं, ये यहाँ से पीछे से प्लेन निकल रहे हैं, प्लेन उड़ रहे हैं। ये कहाँ गए अपन, बेस कैंप पहुँच ही गए बाबा के दरबार में धीरे धीरे। कितना और रहेगा भैया मंदिर यहाँ से? 1.5 किलोमीटर, चलो 1.5 किलोमीटर और रह गए यहाँ से मंदिर। यह पालकी सवारी, पालकी में इस तरह से ले जाते हैं, तो किराया कितना है ये पता नहीं है। कब आना, चलो धीरे धीरे पहुँचने वाले हैं, अभी पहुँचने वाले हेलीपैड केदारनाथ। ये है बाबा केदारनाथ हेलीपैड, यहाँ पर जो लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं वो उनको यहाँ उतारा जाता है। ये आम हेलीपैड है, एक VIP हेलीपैड और आगे है। लाइन में लगे हुए हैं दर्शन हेतु टोकन लेने के लिए, तो ये टोकन मिल जाएगा तब जाके यहाँ से दर्शन के लिए निकलेंगे। तो ये लाइन है वेरिफिकेशन की, इसका रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन से जाकर वेरिफिकेशन कराएं, उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है वो आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करा लें। अब निकल गए हैं मंदिर दर्शन के लिए, बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। हेलीपैड से थोड़े से आगे देखते हैं दर्शन हो पाते हैं कि नहीं। अब पहुंच गए हैं बाबा केदारनाथ भगवान के परिसर में, और यहाँ अभी दूर खड़े होकर बाबा केदारनाथ भगवान मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। बाबा केदारनाथ पहुंच चुके हैं और बहुत तेज़ बारिश हो रही है केदारनाथ भगवान के दरबार में, और भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये बर्फ़ ये पहाड़ हैं, बोलो बाबा केदारनाथ भगवान की जय। ये दिख रहा है बाबा केदारनाथ का मंदिर, आखिरकार बाबा ने बुला ही लिया। बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए लाइन लगी हुई है।
जय श्री बाबा केदारनाथ की जय। जय हो बाबा केदारनाथ की जय। देखो भोले, आखिर आ ही गए आपके दरबार में। केदारनाथ भगवान की जय। बाबा जब तक आपका बुलावा ना आए तब तक आपके दरबार में कोई नहीं आ सकता। वो हम आए हुए थे सिर्फ ऋषिकेश तक, और हमारा अभी कोई इरादा नहीं था केदारनाथ बाबा के यहाँ आएंगे, लेकिन कहते ना कि बाबा जब बुलाएंगे व्यक्ति अपने आप आ जाता है। अचानक प्लान बना और अब आ गए बाबा के दरबार में। सो अगर आप प्लान बना रहे हैं तो जल्दी जल्दी प्लान बनाएं, और अगर प्लान नहीं बन पा रहा तो फिक्र ना करें, जिस दिन बाबा को बुलाना होगा सारे प्लान अपने आप बनते जाएंगे। बोलो बाबा केदारनाथ भगवान की जय। आप कितने भी प्लान बना लेना, अगर बाबा का बुलावा नहीं आया तो आना बहुत मुश्किल है। और आप बिल्कुल ही प्लान मत बनाना, और अगर बाबा केदारनाथ का बुलावा आ गया है, बाबा अगर आपको बुलाएंगे अपने दर पर, तो आप एक भी प्लान मत बनाना, सारे प्लान अपने आप बनते जाएंगे और आ जाएंगे। अब हमको ही देखिए, हम तो सिर्फ ऋषिकेश तक आए हुए थे और अभी बाबा के दरबार में हैं। चलो केदारनाथ भगवान की जय। बाबा केदारनाथ की जय। यह शाम का समय, अब बाबा केदारनाथ भगवान की होने वाली है आरती, तो हम लोग पहुंच गए हैं बाबा केदारनाथ की आरती के दर्शन करने के लिए और आरती में शामिल होने के लिए। पहाड़ों के बराबर आ चुके हैं अभी हम। ये ऊपर बर्फ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। अभी होने वाली थोड़ी देर बाद बाबा केदारनाथ की आरती, तो हम आपको दिखाएंगे बाबा केदारनाथ की आरती। कुछ फ़ोटो जो लास्ट में हम लोगों ने बाबा केदारनाथ धाम मंदिर के सामने ली, और यहाँ पर बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा समाप्त हुई।